गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर 4 इन हिस्ट्री द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइजेस इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन टू वीडियोस यू हैव टू राइट डाउन अप टू द क्वेश्चन 7। Now today start with the question 8. Write down with me. How important was the income from land revenue to the stability of the Mughal Empire? Write down. How important was the income from land revenue to the stability of the Mughal Empire? Answer. Land revenue was the backbone of the Mughal Empire. Without it, nothing could be done. The king could not play the The king could not pay the salary of his soldiers. So without the land revenue, king could not pay the salary of his soldiers. The land revenue was an important income for Mughal Empire. Neither could be do any welfare work. The administrative expenditure was so vast, and this could be met with this revenue only. Hence, revenue was important to strengthen the empire. Now, how important was the income from land revenue to the stability of the Mughal Empire? The Mughal Empire को अपना जो empire था वो stable कर रखना है, तो land revenue income very important है. How? What is the reason? कि जो income from land revenue है, वो Mughal Empire को stable करते हैं. तो व्हाट इज द रीजन? लैंड रेवेन्यू वॉज द बैकबोन, एक जो हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ द मुगल एम्पायर. फर्स्ट पॉइंट है लैंड रेवेन्यू वॉज द बैकबोन ऑफ द मुगल एम्पायर. अभी उसके विदाउट इट, द लैंड रेवेन्यू के बिना, विदाउट इट नथिंग कुड बी डन. अगर हम मुगल एम्पायर लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करते हैं तो मुगल एम्पायर स्टेबल नहीं होगा. विदाउट इट नथिंग कुड बी डन. द किंग कुड नॉट पे द सैलरी, जो किंग के सोल्जर्स है उसको सैलरी पे करनी है तो उसको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है. इसके लिए द किंग कुड नॉट पे द सैलरी ऑफ हिज सोल्जर्स. नाइदर कुड बी डू एनी वेलफेयर वर्क, और कोई भी वेलफेयर वर्क वो नहीं कर सकते अगर वो लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करते. द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर वॉज सो वास्ट, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो सो वास्ट, वेरी वेरी वास्ट, एंड दिस कुड बी मेट
और वो खर्चा वो कैसे मेट करते हैं विथ दिस रेवेन्यू ओनली, तो उनका खर्चा वो लैंड रेवेन्यू से ही भरपाई करते हैं। रेवेन्यू वॉज इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेंथन द एम्पायर, तो एम्पायर को स्ट्रेंथन करना है, स्टेबिलाइज करना है, लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। हियर इज आंसर फिनिश्ड। एंड नाउ क्वेश्चन 9, व्हाई वॉज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदास फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट पुरानीस एंड ईरानीस। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स, मुगल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है टू रिक्रूटमेंट करना, टू फाइंड आउट करना मनसबदास फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से उनको मनसबदार लाने हैं, एंड नॉट जस्ट टूरानी से ईरानी से, और जस्ट ईरानी और पुरानी को उनको मनसबदार नहीं करना है, तो वाई इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स। आंसर, द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर expanded to different region, अलग अलग region में expanded हुआ उसका regions, hence it was important for the Mughals, it was important for the Mughals to recruit diverse bodies of people in order to make people comfortable with them. Apart from Turanis and Iranis, now there were Mansabdars from Indians, Indian Muslim, Afghans, Rajputs, Marathas एंड अदर ग्रुप्स। तो क्वेश्चन है कि जो मुगल अम्पायर है वो ओनली ईरानी और तुरानी को रिक्रूट ना करे अपने अम्पायर में, उसके अलावा अलग अलग, वाई? तो द मुगल अम्पायर एक्सपेंडेड टू डिफरेंट रीजन्स, हेंस इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू मेक पीपल कम्फर्टेबल विद देम। अपार्ट फ्रॉम तुरानीस एंड ईरानीस, नाउ देवर मनसबदार्स फ्रॉम Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. Now question 10. Like the Mughal Empire, and India today is also made up of many social and cultural
units. Does this pose a challenge to national integration? Answer. No, this does not. This does not pose any challenge to the national integration. Unity in diversity. The unique feature of India Unity in diversity is the unique feature of India. Indians may belong to different groups, different regions, cultures, caste, and creed. But this does not mean that they are different people. They are one and are they are proud of being born in India. Now, again, understand the question. Like the Mughal Empire, India today is also made up of many social and cultural units. Does this pose a challenge to national integration? The Mughal Empire ki tarah India aaj bhi made up of many social and cultural units. हमारे यहाँ सोशल कल्चरल यूनिट्स से इंडिया बना है. डस दिस पोज अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? तो पहले तो नो, नो दिस यहाँ से करना है डस से, तो नो दिस डज नॉट पोज एनी चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन. फिर हमें बताना है कि हमारे इंडिया में क्या है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में हमारे यहाँ विविधता है, डाइवर्सिटी है, पर फिर भी इंडियन पीपल आर यूनिटी इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडिया. इंडियंस में बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स. हमारे यहाँ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स से आते हैं पर्सन, कल्चर से, कास्ट एंड क्रीड, बट दिस डज नॉट मीन दे आर डिफरेंट पीपल. फर्स्ट दे आर इंडियन, भले अलग अलग कास्ट क्रीड और रिलीजन से है, धर्म से है, पर दे आर फर्स्ट इंडियन. दे आर does not mean they are different people, अलग नहीं है. they are born and are proud of being born in India. और उनके proud है कि being born in India. Sometimes social conflicts arise, no doubt, but they are solved in an amicable way. Whenever there is external threat, bahar se koi bhi threat aata hai, all Indians come together एक एग्जाम्पल देखते हैं हम. एग्जाम्पल ऑफ कारगिल वॉर इज वर्थ मेंशनिंग हियर.
India fought and won the war at last. India fought and won the war at last. That was the time when everyone was filled with patriotic feelings. There was only one goal, that is to win the war, and that India did the help of the brave soldiers. Now, next question, 11. Peasants were vital. Vital means important. Vital for economy. तो जो इकोनॉमी हमारी वहाँ पीजेंट्स वर वाइटल फॉर इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर में जो पीजेंट्स है वह वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी. तो आपको बताना है, डू यू थिंक दैट दे आर एज इम्पॉर्टेंट टुडे. आज भी वो पीजेंट्स इम्पोर्टेंट है एज द गैप इन द इनकम बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया चेंज अ ग्रेट डील from the period of the Mughals. So first read the question. Peasants were vital for economy of the Mughal Empire. So do you think that they are as important today, as we peasants important hai, as the gap in the income between the rich and the poor in India change a great deal from the period of the Mughals? First write down, peasants are as important today. Why? As they were during the Mughal Empire. The Mughal Empire के time से आज तक peasants very important है. They, why they important? They cultivate land and grow crops without which we cannot survive. Peasants का main काम है, जैसे farmer cultivate करते हैं and grow crops करते हैं, without which we cannot survive. They pay land revenue to the government, which is used in various developmental work. We cannot think of a sound economy without peasants. Peasants ke bina sound economy we cannot think. They are the backbone of the country. Now last question. The Mughal Empire left its impact on the different regions of the subcontinent in a variety of ways. Find out if it had any impact in the city, village or region in which you live. We live in Gujarat. It was the capital of the Gandhinagar, capital of the Gujarat. The empire changed the face of the city. We see the Red Fort, Chandni Chowk, Jama Masjid, Humayun Tomb, the Mughal Garden, etc. in the city. These were the contribution of the Mughal emperors who made the city so rich and colorful. Because we follow the CBSE, as per CBSE book. So here Mughal Empire from Delhi. So here answer is also
from Delhi. Delhi is the capital of Mughal Empire. So this answer you do on your own self. We are finished our tax exercises. Now from question, extra question, we all see in the next class. In this chapter, you have also the map, India map you have. We see the map in the next class. Thank you very much.